राना जी सब कर गए, आप सब्जी ब्लॉग करते हैं शुरू आज का। 4:10 होने वाले हैं गाइस और हम रेडी हो चुके हैं प्रभात फेरी के लिए। अब चलते हैं बराबर में। ये लड्डू आ गया हाथ में गाइस, एक एक इधर यहाँ लगा दूँ, एक इधर आ गया नार। अबे लड्डू नहीं है उधर गाइस, यहाँ पर लगा दिया हमने। 1, 2, 3, 4 पांडे वहां पे लड़ता हुआ कतीड़ों के साथ, कतीड़ा वो देखो। फुलझड़ी तैयार रखो ना कालू, कालू फुलझड़ी की थे तुझी, आ गई गाइस, जला दो बापा जी, साइड हो जाओ, बड़ी दूर फैल। नहीं तीन थे, तीन चार थे। तो गाइस टाइम हो चुका है 5 और हम आ चुके हैं प्रभात फेरी से, और ये रही अपना प्रसाद और ये रहा ड्राई फ्रूट वाला, पड़ जाते हैं लंबे पी के, फिर मिलते हैं आपसे हम 12-1 बजे। उठ चुके हैं हम और टाइम हो गया जी 1:10 और इधर आ गया जी अपना नाश्ता। ये हमने कल मला था आटा मेथी वाला, लो जी ये लगाते हैं मक्खन, और मलते समय हमने डाल दी थी बीच में मलाई हमारी चाची की टेक्निक है, रोटी सॉफ्ट बनती है। दो जी टूटने में तो सॉफ्ट ही है बड़ी। ये आया मक्खन और इधर आ गया गाइज सार में लाल मिर्च वाला 4, ये लगाया जी। बात तो है भाई, मलाई डाल दो रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है। मलाई बनी बाकी और नमक वगैरह सब एकदम, हरी मिर्ची भी डाली थी हमने पीस के, बहुत स्वाद बनी रोटी मेथी वाली हमारी फेवरेट। अच्छा। मजा आ गया साथ मक्खन बैंगन लौकी ये सब टीके मार मार के फुला रहे हाँ जी, और क्या सब मिलावटी माल आ रहा है आजकल, प्योरिटी तो है ही नहीं। तभी तो यही तो फर्क है ना बस पुराने जमाने के लोगों में और अब के। सही बात, ताकत है ही नहीं। सही बात है नी आंटी, ताकत तो है ही नहीं बिल्कुल। पहले बेटा घी दूध घर का खाते थे, हैं घी दूध घर का खाते। हाँ अब घी बाजार का लोग खा रहे डब्बे वाले पैकेट वाले, उनमें क्या पता क्या मिल रहा है, क्या पता डालडा मिला के दे रहे, खुशबू मिला रहे वो। अब आजकल तो
यही है अपना देसी घी भी खुशबू वाला एसेंस आ रहे हैं उसमें, एसेंस छिड़क दे वो खुशबू आ जाए। और क्या मिठाइयों में सब यही डल रहा, लोग कहें जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हम भी कहें बढ़िया है जी स्वाद है, पतीसा स्वाद है जी देसी घी का ये नहीं पता एसेंस मिल रखा, क्योंकि प्योर जो घी होवे ना आंटी वो 1000 रुपए से किलो से कम नहीं है, बाजार में बिक रहा 500-600 रुपए किलो, सारा सही बात है। इतनी मलाई का इतना सा मक्खन निकलता है, तब जाके खाला 200 ग्राम घी निकलता है, बताओ वही तो सही है। एग्री, हाँ जी खा लिया था हमने तो प्योर मक्खन का ही परोठे वगैरह, क्यों माता असि तो प्योर खादा ही है, तेन प्योर खुआया ही ठीक है ना। तो गाइज 7:30 हो चुके हैं और यहाँ पर चेतन बना रहा है मैगी, अभी डिनर में बनाएंगे हम माँ छोरे की दाल, बट इधर पहले मैगी बन रही है और मैगी में बताऊँ क्या डाल दिया पहले, और ले सारी चीजें इकट्ठी डाल दी, उस दिन भी ऐसी नमक डाल दे भाजी तुम की बना लो पहले मुझे दसो, जो एक तो बना एक तो भाई ने पहले मैगी में डाली हींग, वाह भाई हींग कौन डाले भाई, चेतन कहेगा हम डालते हैं भाई देसी मैगी, देसी पंजाबी मैगी भाजी हींग जीरे वाली, वाह नहीं उस दिन मैंने बनाई थी बड़ी टेस्टी बनी थी, मैंने कहा आज फिर बनाओ भाई मैगी, लो पहले प्याज टमाटर और हरी मिर्चें इकट्ठी बनाई हो रही है इसकी, वाह जी वाह शेफ शेतन भाटिया। अब हम दाल वॉश वगैरह कर लेते हैं भाई और रखते हैं फिर उसे पकने के लिए, आज हम लेट हो गए कहें ये रहा गुल भी गया, तो गाइस इसमें देसी घी भी पड़ चुका है हल्का फुल्का, बूंदी जितना एना को टेस्ट फ्लेवर के लिए ओके जी, तो हैं बस ठीक है थोड़ा चूरा इसमें डाल लो, निकाल लो चूरा चूरा निकाल लो, मसाला गाइस इसमें डल चुका है, ओहो वो होया भाई ये देखो, चल रख दो भाई कच्ची मैगी किसे पसंद है बताओ, तुझे सबको ही पसंद है। तो जी पानी पूनी डल चुका है मैगी में, अब इसे पका लेते हैं, और इधर दाल हमने इसकी पहले वही निकाल ली थी वो झाग झाग सी जो होती है, पर अब इसमें डालते हैं नमक हल्दी और हींग, ये लो जी मिक्स हो गया बढ़िया। ओ हाँ गाई ये भी तो डालना है बीच में, अलग से तड़का थोड़ी मारूँ मैं, ये टमाटर अदरक और प्याज ये बीच में ही डाल रहे हैं हम, इसमें हमने हरी मिर्चा भी डाल दिया गाई हम भूल गए थे पहले, और अब जी ये लगाते हैं ढक्कन पका लेते हैं। लो जी गाई मैगी आ गई है, टेस्ट करते हैं, ए हरी मिर्चा दबा गया है इसमें, चिप करते मिर्चा वाले मुँह सड़ गया पाजी, तरी तरी कर दिया आज पर टेस्ट ठीक है, चलो टेस्ट तो ठीक है, ठीक है बाकी पतली है पर टेस्ट पूरा है अपना और करारी है दबा के। माता क्या हुआ चिप काटते हैं है बढ़िया पर मिर्च है गाइस, वैसे ना कटिंग मैंने ही करी थी प्याज टमाटर और हरी मिर्चों की, 3 मिर्चें डाली मैंने स्वाद है वैसे तो, चलो यार ये तो गाइस हाँ ये रहेगा ठीक होना है ना, तो गाइस जो पनीर लैन आए सी मैं का और चीज चिली दी ग्रेवी पाई सी मैं का ले जाओ थोड़ा पनीर तल के पा देंगे, और गाइस जो सड़क बन गई है यहाँ से ठेका हमने लिया था गाइस अपना, तो मोटा नोट छापा है हमने बताएंगे नहीं हम आपको, ये देखो यहाँ से भी हमने अपना पूरा ठीक करवा दिया है, नोट छपाई है हमारे तक, नोट छपाई है बस छप के कहाँ गया साला हमें खुद नहीं दिख रहा बहन गया कहाँ है, आ गए हैं हम अपनी गली में घुसने वाले हैं बस गाइज, और यहाँ का भी आपको सीन दिखाते हैं, यहाँ भी तोड़ फोड़ हो चुकी है थोड़ी बहुत, नालियाँ बन चुकी हैं हल्की फुल्की, लोग कहेंगे तो नालियाँ ही बखांदा रहा अगर लो जी देखो जी हूँ भाजी जो है असि वही बखावे लो जी आ देखो बन रहा है धीरे धीरे सब हो जाएगा, इसका ठेका भी हमारे पास ही है गाइज लगा रखी है लेबर हमने, तो गाइज आ चुके हम घर और दाल अपना बढ़िया गल चुकी है और अब तड़का लगा रहे हैं इसे वही अपना जीरे और लहसुन का, और आज देसी घी का लगाएंगे गाइज, एक गया देसी घ्यो, लो जी तड़का है तैयार गाइज देसी घ्यो का मिक्स करते हैं, तो जी दाल तैयार है गाइज, लो जी और गाइज इधर है चीज चिली भी तैयार दोबारा से, और जी पनीर हम फ्राई करके डाल रहे हैं, लो ये गया ही ये भी बढ़िया लगता है गाइज बिना मैदे का फ्राई पनीर, तो जी टाइम हो चुका है 10:15 और डिनर अपना आ चुका है जी,
आज माता ने पतले पतले फुलके बनाए हैं, हैं? बढ़िया मजा आ गया चिचली ठीक है आज कल भी बढ़िया था। खैर ये लो जी ये फ्राइड पनीर, बल्कि सही है मैदा फ्री अपना मैदा क्यों चढ़ाते है ना, यही सही है। तो नुकसान ही है मैदा तल के डाल लो इससे बढ़िया, चलो बढ़िया भाई इसका ज़्यादा स्वाद है, तलने से थोड़ा क्रिस्पीनेस भी हो गया परत ऊपर की बढ़िया हो गई, और इधर आ गई दाल और इधर आ गई मैंने सलाद। दाल में भी तगड़ा हींग अपना बढ़िया फ्लेवर आ रहा है, देसी क्योंकर तड़का है मजेदार, दाल भी अच्छी बनी गई। कर लेते हैं फिर हम अपना डिनर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दे शेयर कर दे, और जो हमारे चैनल बनी हुई है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। प्रिय प्रिय बाबा राम राम।